थी क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का ट्यूबेक्टोमी के बारे में समझेंगे। इसके पहले हम जान लें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जो हमारा होता है ये फैलोबियन नलिका कहलाती है, जिसको हिंदी में अंडवाहिनी बोला जाता है, और ये महिला का यूटेरस होता है जिसे गर्भाशय बोला जाता है। महिला में ये जो होते हैं ये ओवरी होते हैं, दो ओवरी होते हैं जिसको अंडाशय बोला जाता है, और कभी भी किसी भी महिला के दोनों जो अंडाशय हैं एक साथ परिपक्व नहीं होते। यदि इस महीने में लेफ्ट वाला अंडाशय परिपक्व हुआ है तो अगले महीने में राइट वाला अंडाशय परिपक्व होगा। ठीक, ये यूटेरस है महिला का, जहाँ पे बच्चा 280 दिन महिला के गर्भ में पलता है। तो सबसे पहले हम ट्यूबेक्टोमी के बारे में समझेंगे। क्या करते हैं कि महिला के अंडाणु नलिका को काट कर, महिला के अंडाणु नलिका को काट कर धागे से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है, जिसके कारण जो अंडाणु हैं वो फैलोबियन नलिका में नहीं आ पाते, और आपस में संबंध बनाते समय जो शुक्राणु महिला के यूटेरस से इस प्रकार से जो शुक्राणु जाते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता, और जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती और बच्चे पैदा नहीं होते। आम तौर पर हम ये कह सकते हैं कि महिला के अंडाणु नलिका को काट कर धागे से अच्छी तरह से बांध देना ही ट्यूबेक्टोमी कहलाता है।